हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉल ए सैमुअलसन के द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्र का मॉडल पढ़ेंगे जो उन्होंने 1939 में प्रतिपादित किया था। इन्होंने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र आते हैं, अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? गुणक त्वरक की परस्पर अंतःक्रिया। ठीक है, इन्होंने गुणक और त्वरक की परस्पर अंतःक्रिया को अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव का प्रमुख कारण माना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो भी व्यापार चक्रों की स्थिति होती है, तेजी मंदी की स्थिति जो स्थिति आती है, ठीक है, उसके लिए वो क्या बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की जो स्थिति आती है वो किस कारण से आती है? गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया के आधार पर आती है। ठीक है, अब कैसे आती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो सैमुअलसन है वो क्या मानता है कि वर्तमान वर्ष का जो उपभोग होता है, ठीक है, वर्तमान समय का जो उपभोग होता है वो पिछली आय पर निर्भर करता है। ठीक है, वर्तमान समय का उपभोग जो होता है वो पिछले वर्ष की आय पर निर्भर करता है, और वर्तमान जो निवेश होता है वो वर्तमान उपभोग और पिछले वर्ष के उपभोग का जो अंतर है उसका फलन होता है। ठीक है, जो निवेश होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? वर्तमान उपभोग और पिछला उपभोग कितना है उन दोनों का फलन होता है। ठीक है, और उसका जो ये सिद्धांत है वो बंद अर्थव्यवस्था के ऊपर आधारित है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम आय निर्धारण के केवल तीन घटक, उपभोग, निवेश और सरकार, ठीक है, इन तीनों को ही हम शामिल करके और अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सिद्धांत को समझने के लिए हम इस चार्ट को समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में जब स्वायत्त निवेश में परिवर्तन होता है, निवेश में परिवर्तन होता है, तो निवेश में परिवर्तन से कुल आय में परिवर्तन होगा। ठीक है, जो किसको दर्शाता है? गुणक प्रभाव को। जब अर्थव्यवस्था में कुल व्यय में परिवर्तन होगा तो ऐसी स्थिति में आय में भी परिवर्तन हो जाएगा, और ये जो आय में परिवर्तन है वो क्या करेगा? उपभोग मांग में परिवर्तन करेगा। ठीक है, लोगों के द्वारा जो वस्तु सेवाओं का उपभोग किया जा रहा है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब उपभोग मांग में परिवर्तन होगा तो लोग अपना जो खर्चा है, उपभोग व्यय है, उसको भी क्या करेंगे? परिवर्तित कर देंगे। और उपभोग व्यय में परिवर्तन होने से और फिर नया निवेश किया जाएगा, नया प्रेरित निवेश होता है। तो इसका मतलब उपभोग व्यय में परिवर्तन से प्रेरित निवेश पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? त्वरक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और जब उपभोग व्यय में परिवर्तन होगा तो ऐसी स्थिति में वापस अर्थव्यवस्था में कुल व्यय में भी परिवर्तन हो जाता है, और जब प्रेरित निवेश में परिवर्तन होगा तो इससे अर्थव्यवस्था में और नया निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो कुल निवेश जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की स्थिति आती है। कब आती है? जब अर्थव्यवस्था में ये दोनों सिद्धांत, गुणक प्रभाव हमारा और त्वरक प्रभाव जो है वो साथ साथ कार्य करते हैं, तब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की स्थिति आती है। अब देखिए, सैमुअलसन का जो सिद्धांत है तो उसको हम समीकरण के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं कि जो सैमुअलसन है वो क्या मानते हैं? वर्तमान जो उपभोग है, ठीक है, सी टी हम लिख सकते हैं, सी का मतलब कंजप्शन उपभोग है और टी का मतलब टाइम, अभी वर्तमान समय है, तो वर्तमान समय का जो उपभोग होता है वो आय पर निर्भर करता है। ठीक है, वाई पर निर्भर करता है, कौन सी आय? पिछले वर्ष वाली। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई T-1। और उपभोग जो होता है वो किससे प्रभावित होता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC से। ठीक है, इसलिए हम MPC को यहाँ पे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो उपभोग का समीकरण वो क्या बन गया? CT=MPC YT-1, मतलब वर्तमान समय का उपभोग पिछली आय पर निर्भर करता है, पिछली आय का फलन है। दूसरा हमारा निवेश फलन। ठीक है, तो जो निवेश होता है वो वर्तमान वर्ष का उपभोग और पिछले वर्ष का उपभोग, तो वर्तमान वर्ष का उपभोग क्या होता है? CT, और पिछले वर्ष का उपभोग क्या होता है? CT-1 लिखते हैं हम। ठीक है, T-1 का मतलब पिछला वर्ष है, इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए साथ में हम लिख दिया अल्फा, जो किसको दर्शाता है? त्वरक को। तो ये निवेश का समीकरण है। इस सिस्टम में हम देखते हैं जो संतुलित आय का स्तर होगा उसका समीकरण क्या बन जाएगा? YT=C+I+G। ठीक है, क्यों? क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है, तो संतुलित आय का जो स्तर होगा उसका निर्धारण किसके आधार पर होगा? उपभोग,
निवेश और सरकारी व्यय के आधार पर होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो समीकरण है उसमें हम उपभोग और निवेश के अगर मान रख दें तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, वाई टी इक्वल टू सी वाई टी माइनस वन प्लस अल्फा सी टी माइनस वन प्लस जी। ठीक है, हमने क्या किया, जो ये हमारा समीकरण था इसमें हमने सी की जगह ये सी का मान लिख दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख लिया। फिर हमने किया क्या, ये जो हमारा आई था आई की जगह हमने ये वाला मान आई का मान रख दिया और जी को हमने ऐसा कैसा प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, अब इस समीकरण को हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास में नया जो समीकरण बनेगा ये बनेगा। ठीक है, और ये क्या है, आय निर्धारण का सैमुअलसन का समीकरण है। ठीक है, वाई टी इक्वल टू सी वाई टी माइनस वन, जहाँ पे सी का मतलब किससे है, एमपीसी, और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें अल्फा जो है वो किसको दर्शाता है, त्वरक को। ठीक है, और ये जो सी है एमपीसी है वो किसको दर्शाएगा, हमारा गुणक प्रभाव को। तो इसका मतलब आय का जो निर्धारण है वो गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया के आधार पर निर्धारित होता है। अब देखिए सैमुअलसन का जो सिद्धांत है वो अर्थव्यवस्था में होने वाले जो चक्रीय उतार चढ़ाव है वो पांच प्रकार के चक्रीय उतार चढ़ावों की व्याख्या करता है। ठीक है, सैमुअलसन का जो सिद्धांत है अर्थव्यवस्था में पांच प्रकार के चक्रीय उतार चढ़ावों की व्याख्या करता है, उसको हम इस चार्ट या सारणी के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, सारणी में हमने एक भाग में क्या लिया, अलग अलग स्थितियां ले ली हैं, दूसरी तरफ हमने अल्फा और सी, मतलब सी का मतलब ये एमपीसी है जो गुणक को प्रदर्शित करता है, और अल्फा जो हमारा है वो त्वरक को प्रदर्शित करता है। तो त्वरक और गुणक के हमने अलग अलग मूल्य ले लिए हैं और फिर हम देखते हैं कि इन अलग अलग मानों के आधार पर अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र उनकी कौन कौन सी स्थिति हो सकती है। तो सबसे पहले हमने स्थिति ली है जिसमें हमने सी, ठीक है, जो हमारा गुणक है उसका मान हमने कितना ले लिया, 0.5, और जो त्वरक है उसका मूल्य कितना है, 0। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो जो त्वरक है उसका मान कितना है, 0, तो इसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में कोई चक्रीय उतार चढ़ाव नहीं होंगे। ठीक है, जो आय का पथ होगा वो कैसा होगा, चक्रहीन पथ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अल्फा इंटू सी दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। सैमुअलसन क्या मानता है कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के लिए क्या जरूरी है, दोनों के जो मूल्य है वो धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, जबकि हम पहले स्थिति में देखते हैं तो जो हमारा अल्फा है उसका मान कितना है, 0 है, तो एक का मान अगर 0 होता है तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में कोई उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, व्यापार चक्र की स्थिति नहीं होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, चक्रहीन पथ। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने सी 0.5 ले लिया है। ठीक है, जो गुणक का मान है वो हमने कितना ले लिया, 0.5, और जो त्वरक है अल्फा उसका मान हमने कितना ले लिया है, 1। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 0.5। ठीक है, इसका मतलब 1 से कम आ रहा है, और जब इन दोनों का गुणनफल अल्फा और सी का गुणनफल, त्वरक और गुणक का गुणनफल का मान अगर 1 से कम होता है तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत ऊंचा उतार चढ़ाव हो सकता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, अवमंदित चक्रीय पथ। ठीक है, अवमंदित मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में हो सकता है। फिर तीसरी स्थिति हमारी है जिसमें हमने दोनों के मान लिए हैं, गुणक का जो मान लिया हमने लिया 0.5 है, जबकि हमने त्वरक के मान में थोड़ी वृद्धि कर दी, कितना ले लिया है, 2। अब देखिए गुणक के साथ में हमने यहाँ पे क्या किया, त्वरक का मान बढ़ा दिया है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव हो सकते हैं। अब देखिए दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, अगर हम 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और जब इन दोनों का गुणनफल 1 होता है इसका मतलब अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे, नियमित होंगे। ठीक है, स्थिर होंगे एक तरह से। ठीक है, जिस गति से बढ़ रहे हैं उसी गति से कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, स्थिर प्रवृत्ति के उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, नियमित जिनको कह सकते हैं। चौथी स्थिति हमारी हो सकती है जिसमें हमने गुणक का मान कितना ले लिया, 0.6,
और त्वरक का मान कितना ले लिया, 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1.2, मतलब एक से ज़्यादा आता है। तो जो सैमुएलसन है वो क्या बताते हैं, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में विस्फोटक चक्र की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, व्यापार चक्र जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे, विस्फोटक होंगे। ठीक है, उनमें बहुत उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, और पाँचवीं स्थिति है जिसमें हमने गुणक का मान कितना लिया है, 0.8, और त्वरक का मान और बढ़ा दिया है, कितना ले लिया हमने, 4। ठीक है, जब दोनों के मान में वृद्धि होती है तो सैमुएलसन बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं चक्रहीन विस्फोटक, बहुत तेज़ी की स्थिति। ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक तरह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, एक से ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो सैमुएलसन कहते हैं कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था में विस्फोट होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, चक्रहीन विस्फोटक की स्थिति उत्पन्न होगी। सैमुएलसन क्या बताता है कि जो गुणक का मान है वो हमेशा कितना होगा, 0 से ज्यादा होता है लेकिन 1 से कम होगा, जबकि जो त्वरक है उसका मूल्य क्या होगा, 0 से अधिक ही होता है, और दोनों की परस्पर क्रिया होगी तभी क्या होगा, अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र की स्थिति उत्पन्न होगी। अब देखिए, हम ये पांचों स्थितियां हैं उसको इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट स्थिति हमारी है चक्रहीन पद की स्थिति, ठीक है, जिसमें हमने जो त्वरक रहा, ठीक है, त्वरक का मूल्य हमने कितना लिया था, 0। ठीक है, त्वरक का मान कितना है, 0 है, जबकि हमारा जो गुणक है उसका मूल्य कितना था, 0.5। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब इसमें त्वरक की कोई भूमिका नहीं है। तो सैमुएलसन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में कोई चक्रीय उतार चढ़ाव नहीं होंगे। ठीक है, तो समय के साथ साथ में जैसे यहाँ पर केवल जो गुणक है वही क्रियाशील होगा, तो आय में वृद्धि के साथ साथ में क्या, सॉरी, निवेश में अगर वृद्धि होती है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि होती है तो उससे क्या होगा, आय में वृद्धि होगी, लेकिन ये स्फीतिकारी नहीं हो सकती है। ठीक है, इससे अर्थव्यवस्था में कोई उतार चढ़ाव नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि इस स्थिति में हमारा जो त्वरक है वो कोई क्रियाशील नहीं, क्यों, क्योंकि त्वरक का मान कितना है, 0। तो ये है हमारी पहली स्थिति, चक्रहीन पथ कहते हैं इसको। दूसरी स्थिति है अवमंदित चक्र की स्थिति। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे हमने यहाँ पे गुणक का जो मान है वो 0.5 ही रखा है और त्वरक का जो मान हमने कितना ले लिया है, 1। ठीक है, और दोनों का जो अगर गुणनफल हम देखते हैं तो वो 1 से कम ही आता है। तो ऐसी स्थिति में सैमुएलसन क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र है उसमें जो निवेश है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है, जबकि गुणक जो होगा वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा और त्वरक जो होगा वो धीरे धीरे कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो प्रारंभ में क्या आएंगे, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में जो हमारा स्थिति गुणक है उसके आसपास उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद में फिर ये क्या हो जाता है, संतुलन उत्पादन स्तर के समान हो जाता है। ठीक है, इसको वो क्या कहता है, अवमंदित चक्र कहता है। तीसरी स्थिति हमारी है नियमित चक्र। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, गुणक और त्वरक का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर जो हमारी तीसरी स्थिति है उसमें गुणक का मूल्य कितना लिया है, 0.5, और त्वरक का मूल्य कितना लिया है, 2 के बराबर। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब सैमुएलसन कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति है तो फिर इसमें क्या होता है, त्वरक का भी उतना ही महत्व होता है जितना गुणक का होता है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो नियमित प्रकार के होते हैं, नियमित प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, जिसको हमने इस रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है, मतलब जिस गति से तेजी की स्थिति आती है वापस मंदी की स्थिति, ठीक है, और ये जो चक्र हमारा उस समय के साथ साथ में चलता रहता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, पूरे समय में वो जो उतार चढ़ाव देखने में मिल रहे हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, जिसको हम स्थिर विस्तार के साथ में नियमित उतार चढ़ाव कहते हैं। फिर चौथी स्थिति हमारी है विस्फोटात्मक चक्र की। ठीक है, विस्फोटात्मक चक्र की स्थिति में जो हमने गुणक का मान लिया है वो कितना है, 0.6 है,
और जो हमारा त्वरक है उसका मान कितना है, दो है, और दोनों का मूल्य जब एक से ज़्यादा आ जाता है तो सैमुअलसन क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में विस्फोटक व्यापार चक्र की स्थिति उत्पन्न होगी। मतलब समय के साथ साथ में प्रारंभ में तो क्या होगा, उतार चढ़ाव कम होगा, लेकिन जब दोनों अत्यधिक क्रियाशील हो जाते हैं, गुणक और त्वरक, तो अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, बहुत ही उतार चढ़ाव लाते हैं, ठीक है, जिसको वो क्या नाम देते हैं, विस्फोटात्मक चक्र का नाम देते हैं। और पांचवी स्थिति हमारी है चक्रहीन विस्फोटात्मक स्थिति, ठीक है। और ऐसी स्थिति कब होती है, जब अर्थव्यवस्था में गुणक और त्वरक दोनों का मूल्य बहुत अधिक होता है। जब दोनों का मूल्य बहुत अधिक होता है तो अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आएंगे वो कैसे होंगे, चक्रहीन स्थिति वाले होंगे, ठीक है, जिसको हम इस रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। एक तरफ हमने समय लिया है, इधर हमने उत्पादन या आय का स्तर लिया है, और जैसे जैसे गुणक और त्वरक के मान बढ़ते जाते हैं तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्तर है, आय का स्तर है, निवेश का स्तर, उनमें एकदम तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है, जो किसको दर्शाते हैं, चक्रहीन विस्फोटात्मक को दर्शाते हैं। अब सैमुअलसन क्या कहता है कि वास्तविक जीवन में ये जो पांचवी स्थिति है नहीं पाई जाती है, और पहली स्थिति जो पढ़ी थी हमने जिसमें गुणक का मूल्य कितना था, शून्य, तो ये दोनों स्थितियां नहीं पाई जाती हैं वास्तविक जीवन में। सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्थिति जो हमने पढ़ी है वही पाई जाती है, ठीक है। मतलब जो व्यापार चक्र है वो अवमंदित प्रकार का हो सकता है, नियमित प्रकार का हो सकता है, या विस्फोटात्मक प्रकार का हो सकता है। अब देखिए हमारे जो सिद्धांत है उसका मूल्यांकन, तो जब हम सैमुअलसन की बात करते हैं तो सैमुअलसन क्या बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में जब गुणक और त्वरक की आपस में अंतःक्रिया होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में बहुत अधिक वृद्धि होती है। दोनों में से यदि एक का मान शून्य होता है तो अर्थव्यवस्था में कोई उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। मतलब हमारा जो सैमुअलसन का सिद्धांत वो क्या कहता है कि गुणक का मूल्य जितना बढ़ता जाता है तो चक्रहीन पथ की जो संभावना है वो उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, और जब त्वरक का मूल्य बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में विस्फोटक चक्र की संभावना अधिक होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जब त्वरक का मूल्य बढ़ता जाता है तो अर्थव्यवस्था में चक्रहीन, या जिसको हम विस्फोटक कह सकते हैं, ठीक है, विस्फोटक चक्र की स्थिति उत्पन्न होगी, और जब गुणक का मूल्य अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में चक्रहीन पथ की संभावना अधिक होती है।